अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस रेसिपी के साथ आई हूँ वो है कीमा बिरयानी। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा बनाई नहीं जाती लेकिन बहुत मज़े की बनती है। कीमा बिरयानी में आप चिकन का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन भी और बीफ भी। मैं इस वक्त यहाँ मटन बिरयानी बना रही हूँ, मटन कीमा बिरयानी। मेरे से कुछ लोगों ने फरमाइश की थी और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कुकिंग की तरफ आ चुकी हूँ, इंग्रेडिएंट आपको साथ साथ पता चलती जाएंगी। मैंने ऑयल लिया है, अबाउट 3 to 4 tablespoons लिया है। इसमें सबसे पहले मैं टमाटर डालूंगी। कीमा मैंने लिया है आधा किलो और उसी हिसाब से तकरीबन मैंने आधा किलो ही टमाटर लिए, ठीक है। पील कर लिया है और कट कर लिया है रफली, और वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ऑयल गर्म है, इसको हमने भून लेना है अच्छी तरह से। थोड़ी देर ये कुक होंगे और उसके बाद तकरीबन 5 to 10 minutes इसको लगते हैं कम्प्लीटली मैश होके, और फ्राई करके मैं इनको निकालूंगी। 5-7 मिनट के लिए कवर किया था, मैंने पानी नहीं डाला था, टमाटर का ये अपना पानी है। और अब इसको मैंने ड्राई करना है और ये बिल्कुल फ्राई हो जाएगा अच्छी तरह से। आप अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे ये होता है कि जो भी वीडियो बनेगी वो आपको सबसे पहले पहुँचेगी। वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, ये एक हमारे पास फीडबैक आपका आता है। कमेंट कीजिएगा अगर आपने कोई भी सजेशन देनी है, कोई भी अपनी फरमाइश करनी है, किसी भी किस्म की जो आप बात करना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और काइंडली ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट डिश क्या है और आप कौन कौन से मज़ीद आगे रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। उससे मुझे रेसिपीज़ बनाने में मदद मिलेगी। काफ़ी सारी मुझे रिक्वेस्ट आ भी रही हैं, वो मैं इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ आपकी ज़रूर पूरी करती जा रही हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये स्टेप करना ज़रूरी है। हाँ जी, अगर आप बेहतरीन कीमा बिरयानी बनाना चाहते हैं तो ये स्टेप ज़रूरी है, और अगर स्किप करना चाहें तो उसको टमाटर को आप मसाले में ऐड कीजिएगा जैसे मैं बताऊंगी आगे। लेकिन ये याद रखें कि अगर आप 10 शेफ्स हैं आपके पास, 10 शेफ्स हैं, और उन सबको आप एक जैसे इंग्रेडिएंट दें और 1 घंटा या 2 घंटे जो भी कुकिंग टाइम हो उसमें उनको बनाने को कहें, तो उन सब की रेसिपी का जो जायका है, टेस्ट है, वो सबका फ़र्क होगा। और उसकी वजह सबसे बड़ी यही होगी कि एक तो हाथ का जायका नो डाउट होता है और दूसरा उनका जो कुकिंग टाइम और जो इंग्रेडिएंट ऐड करने की टाइमिंग्स और उसकी तरतीब है वो सब उस जायके को चेंज करती है, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये कि जैसे सब्ज़ी गोश्त का कटना है वो भी जायके पे असरअंदाज होता है। तो ये कम्प्लीटली एक साइंस है, कुकिंग बहुत आसान चीज़ नहीं है, इसको बड़ा अच्छे तरीके से सीखना पड़ता है। तो ये डन हो चुका है, इसको मैं रिमूव करती हूँ और आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। मैं ऑयल डाल रही हूँ 1/4 कप, थोड़ा सा कम ज़्यादा आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऑयल को ज़रूर कर सकते हैं। 2 प्याज यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ रफली कटेड, ठीक है। इसको मैं सौते करती हूँ अबाउट 2 to 3 minutes और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, इस तरह से तमाम नई आने वाली कुकिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। प्याज सौते हो गया है, 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकाया है। अनियन को यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 tablespoon जिंजर पेस्ट, 1 tablespoon गार्लिक पेस्ट, यानी 1 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, और साथ मैंने यहाँ पे पिसी हुई मिर्चें ली हैं, तकरीबन 1 खाने का चम्मच हैं, ठीक है। आप चाहें तो इस स्टेप पे नहीं, अगर साबुत मिर्चें आपने कटी हुई डालनी है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइम पे ऐड करेंगे।
इसको थोड़ा सा पका लूंगी ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब देखें ये मैंने सौते किया है, लहसुन अदरक दी साथ। अब मैं कीमा ऐड कर रही हूँ 1/2 kg। अब मैंने कीमा ऐड किया है और मैं इसको भूनूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अच्छी तरह भूनने के बाद। 2 दफ़ा हमने फ्राई करना होता है कीमे को ताकि किसी किस्म की कोई स्मेल ना रहे। मुझे बहुत ज़्यादा फील होती है स्मेल, तो मैं इसलिए ऐसे कर रही हूँ। अच्छा, साथ मैं डालूंगी, बिरयानी बना रहे हैं तो यहाँ पे काला ज़ीरा ज़रूर जाएगा, शाह ज़ीरा भी इसको बोलते हैं, ब्लैक क्यूमिन सीड्स और रेगुलर क्यूमिन सीड। ये मैं 1 टीस्पून ही मैंने ब्लैक क्यूमिन सीड है और क्यूमिन सीड जो है वो भी 1 टीस्पून है, ठीक है। यानी कि ज़ीरा और काला ज़ीरा दोनों 1 1 चाय का चम्मच है। मीडियम हीट पे मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब मैंने फ्लेम लो की है और अब जो यहाँ पे चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 टीस्पून और टू द टेस्ट रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, और टू दी टेस्ट और 1 टीस्पून, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे, नमक और मिर्च को हम एडजस्ट कर लेंगे, साल्ट है यानी कि नमक 1 टीस्पून, नटमेग और मेस पाउडर है ईच 2 पिंच यानी कि 1/8 टीस्पून आप कह लें कि 2 जायफल और जावित्री जो है वो 2-2 मैंने चुटकियाँ ली हैं या 1/8 चाय का चम्मच, यानी थोड़ा ही ये डलता है, ज़्यादा डालेंगे तो कड़वाहट आ जाती है खाने में। और साथ मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है और साथ ये ऑप्शनल है, 2 से 3 या 4 आप जितनी भी लेना चाहें, छोटी छोटी इलायची हैं, सब्ज़ इलायची, ग्रीन कार्डमम, ये 4 to 6 आप डाल सकते हैं, 2 डाल दें या ना डालें, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो ये मैंने सारा मसाला इसमें ऐड किया है। अब मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच दही के, तकरीबन 1/2 पाव दही आप ले सकते हैं, ठीक है। इसको अब डाल दिया है यहीं पे, इसी स्टेज पे टमाटर जो मैंने फ्राई किए थे आपके सामने वो मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। पानी ऐड नहीं करूँगी और होपफुली मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैंने डाला तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी, ठीक है। तो मीडियम लो हीट पे इसको मैंने कुक करना है अबाउट एटलीस्ट 20 मिनट्स, ठीक है। तो मैं वाटर में अगेन बता दूँ, आई एम नॉट एडिंग एनी वाटर, अगर डाला तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगी लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे मैं अब इसको दम पे रख रही हूँ। यहाँ पे मैं चावल रख रही हूँ उबलने के लिए, मैंने तकरीबन 1 घंटा भीगे हुए चावल हैं, 750 ग्राम्स ऑफ राइस यानी कि 750 ग्राम चावल हैं, ठीक है। और इनको मैंने 1 घंटा सोक किया, 1 आवर सोक के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत गर्म मसाला, ये आप रफली डालेंगे थोड़ा सा, ये मैंने 1/2 सिनेमन स्टिक ली है और 5 to 8 ब्लैक पेपर है और 4 से 5 जो हैं 4-5 क्लोव्स हैं, क्यूमन सीड 1 टीस्पून है, 1 ब्लैक कार्डमम है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इस तरह से तकरीबन रफली मैंने इसको डाल दिया है। साथ में यहाँ पे तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच भर के, क्योंकि हमने चावल बॉयल करके पानी निकाल देना है तो हम थोड़ा सा खुला नमक डालेंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच यहाँ पे मैं नमक ऐड करूँगी, डालती हूँ 2-3 खाने के चम्मच मैं आराम से डाल देती हूँ, तो कभी भी ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि जितना चावलों ने नमक लेना है वो रहेगा, बाकी सारा हम निकाल देंगे। अब ये बॉयल आता है, 1 कन्नी पे चावल आएंगे, मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी। ये मैं पहले भी बनाना बता चुकी हूँ और मैंने बॉयल राइस की रेसिपी भी डाली हुई है, यानी कि उसका मेथड डाला हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हैं, देख रहे हैं आप, ये देखें, ठीक है। मैं पानी निकाल रही हूँ और इसकी लेयरिंग देंगे अब हम। कीमा हमारा डन हो चुका है, उसकी भी डिटेल्स मैं आपको देती हूँ लास्ट में। अच्छा, ये देखें पीच मैंने निकाल दी है और तकरीबन मैं 4 से 5 खाने के चम्मच अंदर रहने देती हूँ, ये मैं एस्टिमेटेड बता रही हूँ कि थोड़ा सा ना
अब मेरा कैमरा स्टैंड पे, वरना मैं आपको दिखाती, बिल्कुल नीचे नीचे थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, ठीक है। तो उससे ये होगा कि जरा जलने में बचत हो जाती है, नीचे चावल लगते नहीं है। मैं बिरयानी की काफी सारी रेसिपीज मैंने 3-4 तरह की डाली हुई है। बॉम्बे बिरयानी डाली है मैंने, चिकन बिरयानी डाली है, चिकन टिक्का बिरयानी डाली है। आप सब मेरी प्लेलिस्ट में या चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। कीमा हमारा डन हो चुका है। सिर्फ इतना बता दूं कि अबाउट 25 मिनट्स मैंने इसको सिमर किया था, यानी दम पे रखा था। और 5 मिनट के जब मैंने सिमर करना शुरू किया, मैंने आपको बताया था पानी मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स मैंने 1/4 कप पानी का डाल के मीडियम लो हीट पे मैंने इसको सिमर किया है 20 मिनट के लिए। उसके बाद यानी टोटल 25 मिनट हमारा कीमा जो है वो सिमर हुआ है। ये मैं लेयरिंग दे रही हूँ, आप 2 से 3 लेयर दे सकते हैं, मैं 2 लेयर दूंगी, ठीक है। थोड़ा डाल के इसके बाद जो अब चीजें जाएंगी वो देख लें जो लेयरिंग में आती हैं। थोड़ा सा मैं गरम मसाला ऐड करूंगी यहाँ पे, 1/2 टीस्पून स्प्रिंकल करना है जस्ट ऊपर से, हल्का सा बस, ठीक है। इसके साथ हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, ये तेज नहीं है बिल्कुल भी, मोटी वाली हैं, बुलेट ग्रीन चिली हैं, ये मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और 2 से 3 खाने के चम्मच धनिया और पुदीना है, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेके बारीक काट लें, धो लें अच्छी तरह से। ये मैंने ऐड कर दिया, आप चाहें तो इसको स्किप कर दें धनिया पुदीना को, लेकिन ये वैसे धनिया के बगैर, मुझे पुदीने के बगैर तो बिरयानी अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुछ घरों में नहीं खाया जाता। मेरे इन लॉस साइड पे धनिया पुदीना जरा बिरयानी में पसंद नहीं करते, तो वो लोग नहीं डालते। अच्छा ठीक है, ये हो गया एक लेयर। अब ये मैं दूसरी लेयर ले रही हूँ, और जो थोड़ा सा ऑयल होगा वो मैं लास्ट में ऊपर से डालूंगी ताकि नीचे तक चावलों में जाए। अगर हम पहले ही ऑयल डाल देते हैं ना, जो सालन का होता है मसाले का, तो उससे ये होता है कि ऊपर के चावल हमारे ड्राई रह जाते हैं, तो वो फिर अच्छे नहीं लगते खाने में, नीचे सारा ऑयल चला जाता है। यहाँ पे आप कीमा देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से ये भुना हुआ है, 20-25 मिनट इसको दम दिया है मैंने 1/4 कप पानी डाल के, और इसको अच्छी तरह से भुना है लास्ट में चूल्हा बंद करते हुए। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कीमे में, बहुत अच्छी तरह से भुना हुआ। ये हो गया है ठीक है, ये मैंने लास्ट जो थोड़े चावल थे वो ऊपर ऐड किए हैं, ठीक है। रेसिपी थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये डिटेल में मैंने थोड़ी सी बनाई है, वो जो अभी खाना सीख रहे हैं उनके लिए आसानी होगी। अगर आपको आता है तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं वीडियो को। अच्छा अब मैं यहाँ पे जरदा रंग डाल रही हूँ, सेफ्रॉन कलर जो होता है, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। मैं 3 से 4 चुटकी यानी कि 3 to 4 पिंच ऑफ सेफ्रॉन कलर मैंने ऐड कर दी है, और यहाँ पे मैं दम पे रखूंगी। मैं गीला कपड़ा नहीं लगाती, मैं सादा कपड़ा लगा के इसको लो हीट पे आपने 10 to 15 मिनट्स या टिल देन इसकी स्टीम निकलने लगे बाहर, तब तक आपने इसको दम देना है, ठीक है। मैं आपको फाइनल लुक इसकी देती हूँ, अब ये 10 से 15 मिनट दम पे रहेगा। 15 मिनट्स में इसका स्टीम जो है कंप्लीट हुआ है, ये 15 मिनट मैंने दम दिया है इसको। अब मैं इसको हल्का हाथों से हिलाऊंगी, ये मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपने हिलाना है बिरयानी को। अब आपने एक काम करना है, सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया अभी तक, वीडियो को थम्स अप दीजिए, आगे अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।